दोस्तों, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो आज हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट से। ये आइसक्रीम इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा ना कि इसके सामने मार्केट की आइसक्रीम भी फीकी लगेगी आपको। तो बिना देर किए ठंडे ठंडे आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, ग्लोरियस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमने एक सफेदा आम लिया है, कोई महंगी वाली आम नहीं लिया है। यार, सफेदा आम तो इस समय मार्केट में इजली अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे, क्योंकि हमें मार्केट से कंडेंस मिल्क नहीं खरीदना है। तो हम यहाँ पे 150 ग्राम मिल्क पाउडर लेंगे और उसी बाउल से एक बाउल पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। जितना मिल सके उतना हम मिला लेते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस पे चढ़ते ही, गर्म होते ही बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा, और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे, नहीं तो ये कढ़ाई के तले से लग जाएगा। इतना हमें ध्यान देना है। और यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। देखिए, अभी बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया है और हम इसको चलाना नहीं छोड़ेंगे। यहीं पर हम 120 ग्राम देसी खांड डाल देते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मिठास है और आम में भी मिठास होती है। तो हमें ज़्यादा देसी खांड डालने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी भी डाल सकते हैं। और चारों तरफ से स्क्रैप करके इसको मिलाते जाएंगे हम। देखिए, अब बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और यहीं पे हम एक चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं और इसे गैस बंद करने के बाद ही डालिएगा। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, मीन्स अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल जैसे मार्केट का कंडेंस मिल्क होता है ना, उसी तरह का आपका टेक्सचर दिखेगा। तो इसलिए मार्केट से लेने की क्या ज़रूरत है, हम घर में ही बना लेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर से नहीं बनाना चाहते हैं तो दूध से बना लीजिए, जो नॉर्मल दूध होता है, लेकिन फुल फैट दूध लीजिएगा। जब तक ये ठंडा होता है जब तक हम आम को काट लेते हैं। तो यहाँ पे एक सफ़ेदा आम हमने लिया है, वजन में कम से कम ये 350 से 400 ग्राम के करीब होगा। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर में ऐसे ऐसे काट लिया जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए, बिल्कुल कट गया आसानी से। दूसरी तरफ से भी उसी तरह छोटे छोटे पीसेस में ऊपर से ही काट देंगे और अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए, हमने आम को काट लिया है। अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, मतलब आम को हम पीस देंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, कहीं भी उसमें चंक्स नहीं होना चाहिए आम का, नहीं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें, बिल्कुल पेस्ट की तरह। अब कंडेंस मिल्क भी ठंडा हो चुका है, देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसको भी हम उसी आम में डाल देंगे, आम के पेस्ट में, और इसको भी चलाकर स्मूथ कर लेते हैं। इसे यरी भी हो जाएगा आइसक्रीम के लिए, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको हम मिलाते रहें विस्कर से। देखिए, बहुत यरी हो गया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, यही चाहिए था हमें। अब हम यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। इसके जगह पे आप नॉर्मल क्रीम भी डाल सकते हैं, या घर में जब हम दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है उसे भी डाल सकते हैं। ये एक क्रीमी टेक्सचर के लिए हम डाल रहे हैं, इससे आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगा। अब हम इसको विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आइसक्रीम हमारा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। हमें 3 से 4 मिनट लगा है इसको मिक्स करने में। देखिए, अब आइसक्रीम का मिक्सर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं, ग्लास का बाउल है, आप कोई भी बर्तन में जमा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हमें फ्रीजर में रखना है तो वो बर्तन फ्रीजर में चलने लायक हो। इसको हम टैप भी कर लेंगे ताकि कहीं भी एयर ना रहे, और इस पेचुला के सहारे से इसे फ्लैटन आउट कर लेंगे।
मींस बराबर कर लेंगे। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर डालना है, तो हमने बादाम को भिंगोकर इसके ऊपर वाले छिलके हटा दिए थे, इसे बारीक बारीक काट लिया था, उसे डाल देते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसी तरह से सजा दीजिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है उसको डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बादाम और पिस्ता ही डालें, लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है, खाने में भी सही लगता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम का, इसलिए हम डाल रहे हैं। और हमने पिस्ता को भी उसी तरह से भिंगोकर इसके छिलके उतार कर बारीक बारीक काट लिया था। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। तो हम जमाने के पहले एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर देंगे। आप कोई भी कवर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन बिना कवर का और बिना एल्युमिनियम फॉइल का मत रखिएगा, नहीं तो इसके ऊपर से आइस जम जाएगा और आइसक्रीम आपका बेकार हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से सील कर देंगे। साथ में हम रबर बैंड भी लगा देते हैं ताकि कहीं से भी पानी जाने की संभावना ना रहे। अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए, यानी कि ओवरनाइट के लिए। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। देखिए अब हम इसको फ्रीजर से निकाल कर लेकर आ चुके हैं और खोलकर आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर, क्योंकि अभी हमने भी नहीं देखा है कि ये कैसा जमा है। आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ, सावधानी से हम खोल लेंगे। देखिए कितना अच्छा आइसक्रीम जमा है, देख रहे हैं कहीं से भी आइस नहीं है, इसलिए कवर करना बहुत ज़रूरी था। इस तरह का जब आइसक्रीम हम घर में बनाएंगे तो मार्केट से हमें खरीदने की क्या ज़रूरत है, और वो भी बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसका सॉफ्टनेस देखिए कितना अच्छा से निकल रहा है, ये देखिए सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम, मुँह में खुलने वाला। आज से ये बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी फेवरेट बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर लीजिए, घर में ही कंडेंस मिल्क बना लीजिए, और कोई महंगी आम का ज़रूरत भी नहीं है, सफ़ेद आम से ही बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए तो मैंने इसको सर्व कर दिया है, आप भी इस तरह से आइसक्रीम बनाइए और इस गर्मी को इंजॉय कीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी आइसक्रीम की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो एक बाइट आपके लिए। तो मिलते हैं हम इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।